फिर भी नहीं माने। जब नहीं माने तो क्या किए भक्तों, उन बहुत से महात्माओं को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि सबको पकड़ करके जेल में डाल दो। तो महात्माओं ने क्या किया कि उन्होंने विचार किया कि मैं तो सोच रहा था कि समझ जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हमें को समझाने लगा और इतना समझाया कि बहुत महात्माओं को तो पकड़ लिया और पकड़ करके यहाँ तो बहुत महात्माओं को कोड़े लगाने लगा। जब कोड़े लगाने लगा तब महात्माओं ने क्या किया, हुंकार, एक हुंकार ऐसी की उस हुंकार मात्र से ही बेन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। जैसे ही बेन भस्म हो गया महात्मा तो चले गए, लेकिन सुनीता ने क्या किया, उस बेन का जो शरीर था उसको तेल में रखवा दिया और तेल में रखवाने के बाद जब महात्मा फिर उसी प्रकार से राज में राजत्ता फैली और महात्मा आए, जब महात्मा आए तो पूछे कि ये बतलाओ कि अब राज्य में कोई है, तो माता जी ने तत्काल बताया सुनीता ने कि मैंने वो जो शरीर था उस शरीर को रख रखी हूँ, इसमें बहुत सा रहस्य है, लेकिन आप लोग अब इसी प्रकार से थोड़ा चलते रहिए। तो क्या है कि वे बताए कि शरीर है, उस शरीर के द्वारा बताए कि ठीक है शरीर ही ले आइए, और जब शरीर लाया गया उस शरीर का मंथन किए महात्मा लोग, मंथन किए। पहले तो जंघा का मंथन करते हैं तो जंघा से एक छोटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ। वे जो पुरुष था वे काली काले रंग का था, साफ कृष्णोट हृष्णांगो, वे बिल्कुल काले रंग का था। उसके अंग जो शरीर के अंग थे वे बिल्कुल छोटे छोटे थे और जो थोड़ी थी वे थोड़ी बड़ी ही बहुत ही लंबी थी। तो इस प्रकार से जो शरीर था उस शरीर को देख करके उसने तत्काल पूछा कि महात्मन आप कृपा करके हमको बतलाइए कि मैं क्या करूं। तो जब पूछे कि क्या करूं, क्या करने की बात आई, तो कहते क्या है कि आप करिए मत निषीद, आप बैठ जाइए। और जब बैठने के बाद इधर तत्काल महात्मा ने भुजाओं का मंथन किया, और जब भुजाओं का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से हमारे पितृ भगवान का अवतार हुए और बाई भुजा से अर्की भगवान का अवतार हुआ। इन दोनों भगवान का जब अवतार हुआ तो राज्य में पूरी की पूरी अराजकता तो छाई हुई थी। वहां पर देवता सबके सब स्तुति करने लगे, वहां की प्रजा सब स्तुति करने लगी, राजा की जो भी वो प्रजा थी वे प्रजाजन सब स्तुति करने लगे। तो जब स्तुति कर रहे हैं तो वहां पर प्रभु भगवान स्वतः कह रहे कि अभी मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जिसके कारण आप लोग मेरी इतनी बड़ाई करते चले जा रहे हैं। यदि मैं कोई कर्म करूं आप लोगों का तब आप बड़ाई करें, तो अभी तो मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं हुआ है कि जिसके द्वारा आप लोग बड़ाई करते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, इधर महात्माओं ने देवताओं ने ऋषियों ने तत्काल उनका राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक के दो ही तीन दिन बीते थे। दो तीन दिन के बाद ही पूरी प्रजा त्राहि त्राहि करती हुई एकदम गेट पर राजद्वार पर चलती हुई चली आई और त्राहि त्राहि मचा रही है। त्राहि त्राहि क्या मचा रही है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हमको अन्न दो। भागी है अभी तो हमको तीन दिन हुआ है, क्या आप लोगों को यहाँ खाने के लिए बिल्कुल अन्न ही नहीं है? तो अन्न नहीं है तो पृथ्वी अन्न नहीं देती। तो कहा महाराज आज से 20 साल हो गया बारिश नहीं हुई, 2 वर्ष की बारिश बंद हो जाए तब तो यहाँ कुछ भी नहीं उगता है। यहाँ तो 20 साल हो गया, 20 साल होने पर भी फिर भी बारिश नहीं हुई। उन्होंने तत्काल ही अपना धनुष और बाण उठाया और धनुष बाण उठा करके एकदम चल दिए कि वसुधे ताम वधिष्यामि मत्सासन परामुखे। ये वसुधा ने भी पृथ्वी भी उस समय गाय का रूप धारण करके एकदम वहां से भागना प्रारंभ की और ये उसके पीछे चले। कहते हैं कि वसुदेव काम बधिष्यामी, हे वसुधा हे पृथ्वी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो। अरे तुम्हारा काम है कि अन्न को देना, अधिक से अधिक अन्न दो, सर्वोषधि दो जिससे सारी प्रजा एकदम सुखी संपन्न रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। तो जब इस प्रकार से वे करने लगे तो वहां पर इनका सब वसुधा से अर्थात पृथ्वी हाथ जोड़ करके एकदम कहने लगी कि प्रभु
हम तो अन्न देते थे लेकिन आपके ही जो पूर्वज हुए हैं इन्होंने ऐसा अत्याचार मचा कि सारा का सारा अन्न हम ही को अंदर ही निगल जाना पड़ा। तो अब मैं उपाय बतलाती हूँ। तो उन्होंने उपाय बतलाया कि देखिए आप पात्र बनाइए और जब पात्र बनाइए और किसी को बछड़ा बनाइए तो जब बछड़ा बनाएंगे पात्र बनाएंगे दोहन करते चले जाएंगे तो इस प्रकार से तो वहां पर अलग अलग पात्र बनाए हैं और अलग अलग दोहन करते चले गए हैं कि जैसे मान लीजिए धर्म को बछड़ा बनाए तो अमृत का दोहन किए, इंद्र को बछड़ा बनाए तो स्वर्गादि संपत्ति का दोहन किए और अनेक प्रकार से इसी प्रकार से मनुष्यों को बछड़ा बनाए। तब क्या किए अन्न इत्यादि जितना है ये सबका दोहन करते चले गए। जब ये सबका सब दोहन होता चला गया और जब दोहन हुआ उन्होंने अनेक ऐसा वर्णन मिलता है अनेक प्रकार के यज्ञ किए और यज्ञ में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि उसमें इंद्र ने बाधा डाली और इंद्र ने बाधा डाली उस पर भी इनके पुत्र ने जो इनका पुत्र विजितास्त्र है उस विजितास्त्र ने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए अस्त्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही उनका नाम विजितास्त्र पड़ गया और वे यज्ञ कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा की आराधना कर रहे हैं और आराधना करते करते तपस्या करते करते वे बराबर तपस्या करते चले गए। तपस्या में प्रभु ने अवतार लिया और भक्तों देख लिए कि यहाँ पर जब प्रभु ने अवतार लिया है तो उस समय वे प्रभु से क्या मांग रहे हैं, कहते क्या हैं कि हमको कोई स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए, हमको त्रिलोकी की संपत्ति नहीं चाहिए। प्रभु यदि आपको देना ही है तो विधा करना युत में समय वरम ऐसा वर दे दीजिए कि ये जो हमारे कान है इन कानों में कान हमारे 10,000 कान हो जाएं। कहा क्यों क्या करेंगे 10,000 कानों का, तो कहते क्या 10,000 कान इसलिए मांग रहा हूँ कि ताकि आपकी जो कथा है इन 2 कानों से मैं पूरा तृप्त नहीं हो पाता हूँ। इतनी अच्छी आपकी कथा है कि मेरे को तो ये लगता है कि ये 2 कान की जो सुनने की शक्ति है ये कम ही पड़ जाती है। आप तो हमको जब 10,000 कान दे देंगे उन कानों से बराबर आपकी कथा का श्रवण करते रहें। प्रभु ने विचार किया, कहने लगे कि 10,000 कान दे देंगे तब तो पूरे शरीर पर कान ही कान नजर आएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कहने लगे कि देखिए ये 10,000 कान मांग रहे हैं तो कान की जगह पर हम क्या करते हैं कि जो 2 कान है इन्हीं 2 कानों में 10,000 कान की जो श्रवण करने की शक्ति है वे शक्ति हम 2 कानों में ही समाहित कर देते हैं। तो जब 2 कानों में ही समाहित हो जाएगी तो उस प्रकार से प्रभु का आराधन किया और इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की। इसमें तो ऐसा आता है एक दिन संकादिक भी आए और संकादिकों से खूब वहां पर सब स्वागत सम्मान हुआ। इसी में प्राचीन वर्जी के पुत्र प्रचेता हुए और जो प्राचीन वर्जी के पुत्र प्रचेता हुए उनसे कहा कि सृष्टि कीजिए। जब सृष्टि करने की बात आई तो वे तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। जब पश्चिम दिशा की ओर गए वहां एक सरोवर मिला, उस सरोवर का नाम है मान सरोवर। उस सरोवर के अंदर से देखते क्या है कि एक पुरुष आ रहा है और वे पुरुष बड़ा ही सुंदर है, वे और कोई नहीं था वे भोलेनाथ थे और भोलेनाथ ने उनको रुद्र सूक्त का उपदेश दिया, कहा कि तुम तपस्या करो निश्चित रूप से प्रभु मिलेंगे। और वहां पर वे तपस्या करने लगे। इधर नारद जी जो हैं प्राचीन वर्जी के पास आए और जब प्राचीन वर्जी के पास आते हैं तो इनका बराबर यज्ञ पर यज्ञ चल रहा, एक यज्ञ नहीं अनेक यज्ञ चल रहे। तो उसमें यज्ञ जो चल रहा था वे यज्ञ किस प्रकार से चलता था कि जो हिंसात्मक यज्ञ। नारद जी ने कहा कि देखो ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ये बतलाइए इस यज्ञ से किस चीज की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि प्राप्ति होगी प्रभु, मैं तो ये सुना हूं कि यज्ञ से बरसात होगी कि यज्ञ से ही कल्याण होता है तो उस कल्याण के कारण मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो कहा
इससे किसी की हिंसा करने से कोई कल्याण होता है? कल्याण करने से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। कल्याण करेंगे तभी कल्याण की प्राप्ति होगी। उदाहरण दिए कि जैसे मदिरा अर्थात शराब है और शराब की अपवित्रता शराब से मिटाना चाहे तो क्या शराब की पवित्रता शराब से मिट सकती है? कभी शराब की पवित्रता शराब से नहीं मिट सकती। अरे जरा तुम थोड़ा इधर बाहर आओ और जब बाहर आए प्राचीन गंधी तो कहते हैं कि ऊपर की ओर देखो, और जैसे ऊपर की ओर देखे तो क्या देख रहे थे कि ऊपर से देखते समय देख चुके हैं कि वहां पर अनेक जीव जंतु मुख को हारे हुए और बड़े अस्त्र शस्त्र लिए हुए एकदम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये प्राचीन वर्धी किस समय आए, और जैसे ही आएगा कि ठीक एकदम तत्काल ही इनको खा जाएंगे, खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कि राजन इस प्रकार से सब नहीं होता है। सुनो, हम तुमको एक अच्छा सा दृष्टांत बताते हैं। ये दृष्टांत नहीं है, ऐसा नहीं समझना दृष्टांत है, ये एक ऐसा दृष्टांत बतलाते हैं कि तुम क्या हो ये सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। कि देखिए, एक राजा थे और उन राजा का नाम था पुरंजन। तो वे जो जीव है ये जीव ही पुरंजन है। देखिए राजन, क्या है कि ये जीव जो है इनके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही जीव है। ये पहले दोनों एक साथ रहते थे। एक बार जीव की इच्छा हुई राजन, एक बार जीव की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा भ्रमण करें, और भ्रमण करने की इच्छा से वे सभी लोगों में भ्रमण करते 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 उन्हीं के साथ ईश्वर भी चले। तो ईश्वर ने ईश्वर रूपी उनका सखा है, ये दोनों मित्र हैं। एक जीव है और एक ईश्वर है, ये दोनों सखा हैं। तो सखा माने मित्र, दोनों चले। तो जब दोनों चले तो ईश्वर ने कहा एक मकान दिखलाया। तो वे मकान कैसा था, उसमें अनेक पैर थे उस मकान के, चलने वाला था मकान, नौ दरवाजे थे इत्यादि ये सब था। तो कहा कि ये कैसा क्या है? कहा ये ऐसा है कि इसमें जो रहता है, रहता तो है लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके एक पीछे व्यक्ति रहता है, इसके ऊपर इस मकान में इसके ऊपर और वजन लाद दिया जाता है। तो वजन क्या लाद दिया जाता है कि जैसे ईटा लाद दिया गया, जैसे गधा होता है तो एक गधा वाला पूरा मकान दिखलाए कि इसके पीछे पीछे एक व्यक्ति मारते हुए चलता। तो कहा इसमें जो रहता उसको मार खाने की पड़ेगी। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये मकान ठीक नहीं है। तो एक मकान दूसरे दिखाए, दूसरा कौन सा मकान का, तो इस मकान में तो चार ही पैर थे। इस बार मकान दिखाए तो उसमें अनेक पैर थे। वे अनेक पैर थे मालूम कौन सा मकान का, एक जो गिंजाई होती है वो गिंजाई रूपी मकान था। तो कहा इसमें रहोगे, तो इसमें क्या होता? कहा कि इसमें तो अंतिम जो होता है, कोई व्यक्ति ही आया और किसी का भी पैर पड़ गया तो तत्काल ही नष्ट हो जाता। कहा नहीं नहीं नहीं, ये मकान ठीक नहीं। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते करते सभी जगह भ्रमण किए, एक नौ दरवाजे वाला मकान दिखाई दिया। और उस नौ दरवाजे वाला मकान, ये मकान तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ये तो जब बाहर से इतना सुंदर तो अंदर से कितना सुंदर होगा प्रभु। हाँ चलिए चलिए इसी के अंदर प्रवेश करते हैं। कहा ईश्वर ने कहा जीव से कि देखो तुम तब तक रहो इसमें, आराम से रहो, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जीव तो उस मकान के अंदर प्रवेश कर गया। अब जैसे जीव मकान के अंदर प्रवेश करता है तो उस मकान के अंदर प्रवेश किया भक्तों, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो अंदर क्या देखता है, अनेक नदियां हैं। एक नदी नहीं, उस मकान के अंदर अनेक नदियों को देखा, अनेक पर्वतों को देखा, अनेक जंगलों को देखा। जंगल में भ्रमण करते 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 राजन, वे जो पुरंजन नाम का
राजा है जो हम दृष्टांत रूप में ले रहे हैं जीव ही, तो वे जंगल में अंदर भ्रमण करता रहा करता रहा करता रहा। और जब भ्रमण करते करते राजन वे धीरे धीरे क्या देखता है कि एक लड़की सामने से आ रही है और वे लड़की बहुत ही सुंदर है। जब उस लड़की को देखा और धीरे धीरे किस प्रकार से आ रही है, एक मानो गेंद लिए हुए है और गेंद को ही ऐसे ऐसे खेलते हुए चलती चली आ रही है। जब उस प्रकार से खेलते हुए चलती चली आ रही पुरंदर ने देखा तो देखे कि लड़की तो बहुत सुंदर है, तो उससे पूछे, पूछते क्या है कि कापम तंज कला साक्षी, एक कमल के समान नेत्र वाली तुम कौन हो। तस्यासी पुत्रा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो। जब इस प्रकार से प्रश्न किया और क्या चाहती हो, आखिर क्या चाहती हो। तो मेरी लड़की बोल रही है कि देखिए मैं ये नहीं जानती, उनका मन पुरंजन का मन उस लड़की पर पूरा का पूरा लग गया। लेकिन वे लड़की क्या कह रही है कि मैं ये नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूं, कहां से आई हूं, कौन हूं, कहां रहती हूं, कौन मेरे पिताजी हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये जो मैं तुमको सुखी जरूर कर सकती हूं और साथ में एक मेरी इच्छा ये है, क्या इच्छा है कि मैं जब तुम्हारे साथ रहूंगी तो साथ साथ में तुम्हारा भी मन मेरे ही जैसा हो जाएगा। अच्छा, पुरंजन का तो मन पहले से ही लगा हुआ था, दोनों का मन दोनों में लग गया। जब दोनों का मन दोनों में लग गया भक्तों, तो उस समय स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब उनकी स्त्री जो लड़की थी वे जो कहती है